नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज की गई है और ट्विटर की वेबसाइट पे भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर के बुलंदशहर में एक केस दर्ज किया गया है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सोमवार को ही उसने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इससे पहले दिखाए गए नक्शे में उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया, उसे अलग दिखाया भारत से। ऐसा उसने पहली बार नहीं किया, वो पहले भी 7 महीने पहले भी ऐसी एक हरकत कर चुका है। मनीष महेश्वरी के खिलाफ यूपी के बुलंदशहर में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में बजरंग दल के नेता प्रवीण भाटी सामने आए हैं और उन्होंने ये शिकायत की और नए नियम जो है उनको लेकर के पहले से ही सरकार के बीच में टकराव चल रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ भी टकराव चल रहा है। इससे पहले एक केस में महेश्वरी को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और इससे पहले गाजियाबाद पुलिस ने महेश्वरी को 17 जून को यानी कि इसी महीने 7 दिन के भीतर पेश होने के लिए कहा था। ये मामला एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट की जो घटना है उसको बढ़ा चढ़ा करके उसका एक वीडियो बनाया जाता है, उसको सोशल मीडिया में डाला जाता है और इस सभी इनसे जुड़ी जितनी भी बातें थी उन सब लोग उन सबको इसे जोड़ करके तोड़ मड़ोड़ करके वीडियो में पेश किया गया। इन सभी पर घटना को गलत तरीके से पेश करने और उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप है। हालांकि इस मामले में महेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पे रोक भी लगा दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु में रह रहे महेश्वरी को उत्तर प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वर्चुअली वो पूछताछ कर सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस आदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। वहीं महेश्वरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के में एक कैवेट दायर करके कहा है कि यूपी सरकार की पिटीशन लिस्ट करते वक्त उनका पक्ष जरूर ध्यान में रखा जाए। ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल इसी शुक्रवार को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया और इसके पीछे तर्क ये दिया कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का ये उल्लंघन है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल फिर से ओपन कर दिया और इस मुद्दे को लेकर के भी भारत सरकार और ट्विटर में टकराव चल रहा है। काफ़ी सारी घटनाएं हो चुकी हैं ट्विटर को लेकर के, ट्विटर के साथ सरकार का टकराव चल रहा है। अब यूपी सरकार भी आमने सामने आ गई है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस जो एमडी हैं उनकी याचिका को चुनौती दी है। तो दोस्तों, ये जो ट्विटर की हरकतें हैं ये कहीं रुक नहीं रही हैं। देखना ये है कि सरकार आने वाले दिनों में इस पर क्या कड़ा एक्शन लेती है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।